Hello everyone, this is Manoj Rana. I am assistant lecturer at IHM Shimla Kufri. And बहुत खुशी है मुझे आज आपको ये बताते हुए कि जिस प्रोजेक्ट पे मैं पिछले दो महीने से काम कर रहा था that has been successfully completed. और आपको ज़्यादा वेट ना करवाते हुए दिखाते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या था. वो प्रोजेक्ट ये था. Yes, I was thinking to design a website totally dedicated for the tourism. So tourism के examinations के ऊपर और tourism के concept के ऊपर ये website design की गई है. तो ज़्यादा वेट ना करवाते हुए आपको दिखाते हैं कि ये website का इसको बनाने के पीछे मोटो क्या है. पहले आप इस साइट का ओवरव्यू देखें. ये इसका फ्रंट पेज है. यहाँ आपको बहुत से कोर्सेज देखेंगे. अभी मैं आपको सभी कोर्सेज वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा. तो शुरू करते हैं कि ये जो साइट है ये क्या है. पर उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ. माई नेम इज़ मनोज राणा एंड आई एम असिस्टेंट लेक्चरर एट IHM शिमला कुफरी. IHM मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. I did my graduation from Dehradun in 2009, that is BSc in Hotel Management, Chandan Bahuguna, a central university in Uttarakhand. I have 3 years of hotel experience. I joined IHM Hamirpur in 2012. I taught there for 3 years and I joined IHM Shimla in 2015 as assistant lecturer. And I am teaching in IHM Shimla since 2015. So I have 3 years of hotel experience and 7 years of teaching experience. I have total 10 years of experience. I am second generation teacher. I have done my master's in tourism. I am net qualified in tourism and currently I am pursuing my PhD in tourism from Himachal Pradesh University. So ye to thi meri qualification. अब आइए बात करते हैं कि इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने का, इस वेबसाइट को बनाने का मोटो क्या था. तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फर्स्ट वेबसाइट है जो टूरिज्म के लिए डेडिकेटेड है कम्प्लीटली. आप नेट पर सर्च कर सकते हैं पेपर, UGC नेट पेपर टू टूरिज्म के लिए. अब तो कोई साइट नहीं बनी है और ना ही कोई नोट्स प्रोवाइड कराता है उसके, ना ही कोई स्टडी मटेरियल देता है, क्योंकि टूरिज्म को इतना सीरियस नहीं मानते हैं. बहुत से जो बिग ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मेन फोकस उनके मेन सब्जेक्ट्स पे होता है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कॉमर्स है. उनके आपको क्रैश कोर्सेज हर जगह मिल जाएंगे लेकिन टूरिज्म का क्रैश कोर्स आपको नहीं मिलेगा. तो यही सब बातें देखते हुए मैंने ये साइट डिज़ाइन करी है. तो आइए शुरू करते हैं कि इस साइट में क्या क्या कंटेंट है. ये वो कोर्सेज हैं. फर्स्ट कोर्स है क्रैश कोर्स फॉर UGC नेट पेपर 1. तो जो UGC नेट जो लोग जानते हैं कि व्हाट इज UGC नेट, उसका जो पेपर 1 है दैट इज जर्नल पेपर, ये सभी के लिए कॉमन होता है चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो. ठीक है, तो ये 70 डेज का क्रैश कोर्स होगा जो 20th of August को हम शुरू करने वाले हैं. ओके, 20th of August को. तो ये पेपर 1 का हो गया. बहुत ही रिजनेबल प्राइस रखा हुआ है, 1500 ओनली. अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है कि ये प्राइस रीजनेबल नहीं है, ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आप ऑनलाइन सर्च कर लें. आप गूगल कर सकते हैं जो बड़े बड़े क्रैश कोर्सेज और इंस्टीट्यूट्स जो हैं जो चलाते हैं, आप उनके प्राइस देखना. 5000, 4000, 3000 ये उनके प्राइस होते हैं फॉर पेपर 1. तो पेपर 1 का बहुत ही कम प्राइस रखा है. ठीक है, ताकि आप इसको अफोर्ड कर सको और इससे बेनिफिट ले सको. सेकंड है ये, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रैश कोर्स फॉर UGC नेट पेपर 2 टूरिज्म. तो टूरिज्म के लिए क्रैश कोर्स ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा सिवाय यहाँ के. ठीक है, अगेन इसका भी बहुत रीजनेबल प्राइस रखा है, 2000 ओनली. इस प्रोडक्ट में आपको जो पेपर 2 के 10 यूनिट्स हैं उन सभी के नोट्स मिलेंगे. ठीक है, और उनके PDF मिलेंगे, उनकी ऑडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगी. थर्ड आपका आता है क्रैश कोर्स फॉर UGC नेट पेपर 2 एंड पेपर 2 टूरिज्म. तो जो इन दोनों को लेना चाहे तो उसको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो कॉम्बो पैक ऑप्ट करता है तो उसको बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है. ठीक है, फोर्थ है आपका अगेन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NSTAT क्रैश कोर्स फॉर NCHMCT NSTAT. बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि व्हाट इज NSTAT.
आपने टेट के बारे में सुना होगा, टेट इज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो NSTET मींस जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट है, अब वो भी अपने IHMs में उन्हीं टीचर्स को रखेगा जिनके पास ये NSTET का सर्टिफिकेट होगा। तो NSTET मींस नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये NCHM सिटी कंडक्ट करवाता है, और जो इसको क्वालिफाई करेगा IHMs में, जितने भी IHMs में वहाँ पे वो ही अप्लाई कर पाएगा जिसके पास इसका सर्टिफिकेट होगा। ओके गाइस, और जो लास्ट टू प्रोडक्ट्स हैं वो हैं आपके क्रैश कोर्स फॉर NCHMCET JEE। ये उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है जो प्लस टू के बाद जो NCHMCET एक एग्ज़ाम करवाता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल का, फॉर एडमिशन इन BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो BSc होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को पहले वो एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। उसमें रैंक आएगा तो उस रैंक के बेस पे वो IHM में अप्लाई करते हैं। ओके, तो उस एग्ज़ाम में क्या आता है और कैसे उसकी तैयारी करनी है वो आपको इन दो प्रोडक्ट्स में मिलने वाला है। ओके गाइस, तो ये थे टोटल 6 प्रोडक्ट्स जो आपको इस साइट पे मिलेंगे। ओके, ये उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ ना आया हो तो अगर आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको सभी क्रैश कोर्सेज का एक और वीडियो ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। ये जो है ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे विद आंसर कीज, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे चाहे वो UGC NET पेपर 1 के हों या पेपर 2 टूरिज्म के हों या फिर NCHMCET NSTET के हों या NCHMCET ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, किसके भी मैं डालूंगा, लेकिन इन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ UGC NET पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको आप देखेंगे 13 के, 14 के, 15 के, 12 के, ये आपको इसमें क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। सेम अगर मैं पेपर 2 टूरिज्म पे क्लिक करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, तो यहाँ भी आपको आप देख सकते हैं 14, 15, 16, 12, 13 इन सभी ईयर्स के टूरिज्म के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। सेम अगर मैं NCHMCET NSTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 17, 18 के जितने भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर एक ही पोर्टल पे इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर हम आंसर कीज पे क्लिक करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स के सेम नेट पेपर 1 के आंसर कीज, पेपर 2 टूरिज्म की आंसर कीज और NCHMCET NSTET की आंसर की आपको इजीली यहां पे मिल जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इस पर क्लिक करिएगा और आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक अलग से इंटरफेस खुलेगा, वहां आप देखेंगे करंट अफेयर्स 2017-18 सभी मंथ्स का एंड 2019। तो ये जो करंट अफेयर है ये मंथ वाइज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप 2019 का देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी आने वाला है, और ये आपको इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी में मिलेगा। ओके, दोनों के लिए दोनों में एक्सेसिबिलिटी रहेगी, और ये एक सीक्वेंस में होता है, जैसे इंटरनेशनल करंट अफेयर, देन नेशनल, देन स्पोर्ट्स, तो आप इनको देखेंगे तो आप करंट अफेयर के लिए कोई सी बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। मॉक टेस्ट अभी मैं इसमें अपडेट करूँगा, तो जो भी आप हम पढ़ेंगे, जो भी हम स्टडी करेंगे उसके हर चैप्टर के बाद आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, और उस मॉक टेस्ट को लगाएंगे अगर आप, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका हाथ सेट हो जाएगा फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके गाइज, तो ये तो थे कंटेंट जो साइट पे हैं। लास्ट में ये जो है ये मेरे सोशल मीडिया के कंटेंट हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, जैसे कि फेसबुक है, तो जैसे आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो जो मेरा फेसबुक पेज है NET & PhD in Tourism वो खुल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। ओके गाइज, देन नेक्स्ट इज ट्विटर, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर,
Then next is Instagram. You can follow me again on Instagram. यहाँ भी बहुत information related to tourism आपको मिलने वाली है. And next is very important. This is a blog for housekeeping notes. तो जो IHM के students हैं, they know the importance of this blog. तो यहाँ पे आपको पूरे notes मिलेंगे. Not only of first year but of entire housekeeping of your BSc H&HA program. तो यहाँ पे first semester के notes, then second semester के notes, then third year के notes, then second year के notes, complete notes of housekeeping आपको यहाँ पे easily मिल जाएंगे. Next जो blog है that is for other activities related to tourism. So अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत से videos मिलेंगे. जैसे टेलीफोन हैंडलिंग टेक्निक्स हैं, वाई वी पिक टेलीफोन इन होटल इंडस्ट्री विद इन 3 rings, तो रीजंस के साथ एक्सप्लेन किया होगा वहाँ पे. देन होटल जॉब्स एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, ठीक है. तो ये आपको कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा. नेक्स्ट जो है लास्ट वाला यूट्यूब, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल. तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा. ओके गाइस, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सेलफोन पे मिल जाएगी. तो ये तो था मेरी वेबसाइट का ओवरव्यू, फ्रंट पेज. ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट आता है योर डेमो क्लासेस. तो कोई डाउट है तो इसमें डेमो क्लासेस भी दी हुई हैं, जैसे कि पेपर वन है. ओके, तो पेपर वन पे आप जैसे ये लर्न मोड पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा. ओके गाइस, और इस पेज पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक डेमो क्लास का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो पेपर वन के डेमो क्लासेस यहाँ पे खुल जाएंगे. आप देख सकते हैं एक्शन रिसर्च, देन लेवल ऑफ टीचिंग, देन टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन रिसर्च टाइप्स, देन योर रीजनिंग, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. ये कुछ टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट के. आप इनका ये वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स हैं ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, इनको आप चेक कर लें, ठीक है. अगर आप सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि 1500 में हमें क्वालिटी मिलने वाली है, ठीक है, और आई प्रॉमिस कि 1500 में आपको जो 5000 दे के कोर्सेज करवाते हैं उससे भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है. तो डेमो क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं. ओके गाइस, जैसे ही आप पेपर टू टूरिज्म के लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा वहाँ पे एक आइकन होगा डेमो क्लासेस का. ओके, तो डेमो क्लास पे आप पहले क्लिक कर लीजिएगा और डेमो देखने के बाद, जैसे कि है लीपर मॉडल का यहाँ पे डेमो है जो एक टॉपिक है हमारे पेपर टू टूरिज्म में, देन टाइम जोन कैलकुलेशन है, ये आप एक बार डेमो देख लीजिएगा. अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है और आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है तो आप ये डेमो देखने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा. कोई फोर्स नहीं करेगा आपको कि आप इस कोर्स को ज्वाइन ही करो, ठीक है. चॉइस इज ऑल योर्स. ओके, वैसे ही ये कॉम्बो पैक है पेपर वन टूरिज्म, पेपर वन एंड पेपर टू टूरिज्म दोनों के नोट्स, दोनों की एक्सेसिबिलिटी इसमें रहेगी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो. अगेन यहाँ भी डेमोज हैं, ठीक है. तो जैसे ही आप डेमो पे क्लिक करोगे तो जो एक इंटरफेस खुलेगा वहाँ पे आपको पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के डेमोज देखने को मिल जाएंगे. आप इनको देखें एंड इफ यू आर सेटिस्फाई देन ही, तभी ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करें. ओके गाइस, तो ये डेमोज थे. तो जैसे कि आपने डेमो क्लास देख ली, उसके बाद आप सेटिस्फाई हैं एंड नाउ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, तो आप इसको क्लिक करेंगे ज्वाइन द कोर्स. ओके गाइस, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यू विल ऐड दिस प्रोडक्ट टू द कार्ट. Now this product has been added to the cart. You will view your cart.
okay, then proceed to check out. यहाँ पे आपको अपना, for example, आपको यहाँ पे अपना पूरा address भरना होगा, आपका नाम, your first name, your last name, your address, company, this is optional, your country, this is mandatory, your address, this is mandatory, and promise your address will be kept confidential, and your city, your state, and your pin code, and your phone number, and your email address. अपना phone number और email address वो ही डालें जो अभी currently operational है, जिसको आप check करते हैं और जो working है, ठीक है? तो आप उसके बाद, ये यहाँ पे तीन प्रोडक्ट थे इसलिए आपको 4500 दिखा रहा है, एक प्रोडक्ट होगा तो वो 1500 दिखाएगा. जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यू विल प्लेस योर ऑर्डर, ओके, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे आई हैव रेड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक कर लेंगे, देन यू विल पे. आप यहाँ पे इसको पे कर लेंगे. जैसे ही आप इसको इसके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगी कि आप कैसे, किस ऑप्शन से पे करोगे. अगर बैंक्स है, नेट बैंकिंग है, देन चूज योर बैंक. कार्ड्स हैं तो आप कार्ड से पे कर सकते हैं. यूपीआई है तो आप यूपीआई से पे कर सकते हैं, ठीक है. वॉलेट्स हैं तो आप वॉलेट से पे कर सकते हैं. जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, उसके थ्रू आप पे करोगे. जैसे ही आप यहाँ से पे कर दोगे, ठीक है, तो आपको एक आपकी ईमेल आईडी पे रिसीट आएगी कि जो आपने पेमेंट की है दैट हैज़ बीन रिसीव्ड. और मेरी ईमेल आईडी पे मुझे आपका फ़ोन नंबर जो आपने इसमें डाला था और आपकी ईमेल आईडी और आपका नाम शो करेगा, ठीक है. और वो नाम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर लूँगा. मैं आपको बता दूँ, ये हमारी जो भी पढ़ाई चलेगी, जो क्रैश कोर्सेज 20 अगस्त को चलेंगे, वो टेलीग्राम चैनल पे चलेंगे, ठीक है. तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो भी नंबर देंगे, वो नंबर वही देंगे जो आपका अभी ऑपरेशनल है, ठीक है. तो ये पेमेंट करने के बाद आपको करना क्या है, अपने सेल फोन पे टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड कर लेनी है और उसमें जो आपने फ़ोन नंबर रजिस्टर करना है वो वही करना है जो आपने इसमें पेमेंट करते टाइम डाला था, ठीक है. और यहाँ पे मैं आपको उस अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है. और उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी कि आप एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो चुके हैं और 20 अगस्त से हम उस क्रैश कोर्स को शुरू कर देंगे, ओके गाइस. तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं जिसमें आप फ्री होते हैं और आप उस टाइम पे 2 आवर्स की स्टडी करके इन एग्जाम को निकाल सकते हैं. तो आपको कोई फिक्स टाइम नहीं है, जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में होता है कि फिक्स टाइम पे आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर नहीं गए तो आपका लेक्चर मिस हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है. आप अगर वर्किंग है तो जैसे आप जॉब करके आएंगे, आप अपने हिसाब से उन नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है. देन आता है वाई पेड, ये अमाउंट क्यों रखा गया है, ठीक है. देखिए गाइज, देर आर नो फ्री लंचेज इन लाइफ. अ बिग सेइंग इज देर आर नो फ्री लंचेज इन लाइफ. लाइफ में कभी भी फ्री के लिए मत जाओ. वी आर इंडियंस एंड हमारी एक मानसिकता होती है कि कहाँ हमें फ्री मिलेगा, ठीक है. जहाँ फ्री मिलता है वहाँ पे हम उसके पीछे भेड़ चाल लगा देते हैं. देखिए, जो फ्री मिलेगा उसकी आप कदर नहीं करोगे, फ्री की हम वैल्यू नहीं करते हैं. एंड देर आर नो फ्री लंचेज इन लाइफ, ठीक है. अगर कुछ पाना है तो कुछ तो आपको खोना ही पड़ेगा, और ये एक्चुअली खोना नहीं है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट. अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे, ओके. सो नेवर गो फॉर फ्री, ओके. ये मत सोचो कि कहाँ आप यूट्यूब पे सर्च करते होंगे या गूगल पे सर्च करते होंगे कि ये मेरे को फ्री मिल जाएगा, नोट्स फ्री मिल जाएंगे. और देखो, सबसे बड़ी बात जो ऑनलाइन की वो होती है कि आपका एक रूटीन बन जाता है, ठीक है. मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, मैंने नेट क्वालिफाई करने से पहले 2 बार नेट का एग्ज़ाम दिया था, और मैं लिटरली जब मैंने नेट क्वालिफाई किया तब मैंने कम पढ़ाई की थी, और उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी. लेकिन मेरे को नहीं पता था कि किस किस तरह इन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं,
ओके, जबकि मैंने पढ़ाई ज्यादा करी थी उससे पहले, लेकिन वो सीक्वेंस नहीं पता था, वो ट्रिक्स नहीं पता थे। मैंने भी एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है, और मैंने उसको स्टडी करके ही नेट क्वालिफाई किया, लेकिन वो ऑनलाइन कोर्स ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा था लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली था, उसका प्राइस था 4000, तो मैंने 4000 दिए थे। लेकिन मैं आपको वही चीज़, उससे भी बेटर नोट्स और टीचिंग स्टाइल में आपको वही सब चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, ओके। क्या होता है, हम जब कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक रूटीन बन जाती है, ठीक है, वी नो कि हमने कुछ अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो हम उसमें से मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और एक रूटीन बन जाएगी। यू हैव 70 डेज, तो 70 डेज के लिए आप डेडिकेट हो जाओगे 2 आवर्स की स्टडी पर डे, क्योंकि आपको पता है अगर आपने मिस कर दिया तो आप फिर उसको थोड़ा कवर करना मुश्किल पड़ जाता है। तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से क्या होता है कि हमारी एक रूटीन बन जाती है, हम डेली उसको पढ़ेंगे, हमारा हार्ट सेट हो जाता है, हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं उन एग्जाम्स को, जैसे एग्जाम आएगा आप उसको इजीली क्रैक कर लोगे। ओके गाइस, इसमें एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि ये भी आप कहीं नहीं देखेंगे, सिर्फ इसी साइड पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी आप कोर्स ऑप्ट करेंगे इनमें से, ठीक है, जैसे माने कि आपने ये वाला कोर्स ऑप्ट किया UGC नेट पेपर 1, 1500 आपने पे किया, तो जो आपने अमाउंट पे किया उसका 10% विल बी डोनेटेड टू द NGOs, लाइक चाइल्ड्स की जो NGOs होती हैं, चिल्ड्रन की जो NGOs होती हैं, जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा और जो भी कोर्स ऑप्ट करेगा उस मनी का 10% विल बी डोनेटेड टू दोज NGOs। एंड ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसका प्रूफ, जो भी डोनेशन होगी उसका प्रूफ विल बी शेयर्ड इन माई यूट्यूब चैनल, तो आप वहाँ पे उसको डबल चेक भी कर सकते हैं कि मैंने ये सच बोला था कि हवाई तीर मारा था। ओके गाइस, आप जो मनी देंगे उससे एक तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपके अंदर एक फीलिंग रहेगी दैट योर मनी इज बीइंग यूज्ड और बीइंग डोनेटेड फॉर अ गुड कॉज।